अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राय गुलाम नबी और आप देख रहे हैं पाकी पेट्स वाइज। आजकल मेरे उस्ताद सैयद नासिर अब्बास अली शाह मेरे पास इधर विजिट के लिए आए हुए हैं कोटदू में। ये तहसील कोटदू है, डिस्ट्रिक्ट जो है ना मुजफ्फरगढ़ है हमारा। तो आज हम जो है ना इनके साथ कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप दोस्तों के साथ असील की हिस्ट्री, मशहूर मशहूर नस्लें जो एक वक्त में मशहूर हुई या आजकल जिनका सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना तذکرہ ज़्यादा होता है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन, तारीखी हकायक आप दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों के साथ जो है ना वो पहुँचाएँ, ताकि आपकी जो गलत फहमियाँ हैं या फिर आपको जो है ना ये मसले मसाइल जो लोग जानना चाहते हैं इसके ऊपर, वो उनको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर मवाद हम आप दोस्तों के साथ जो है ना मुहैया करें, आप दोस्तों को पहुँचा सकें। तो ये हमारी एक कोशिश है। तो अभी आज का जो हमारा टॉपिक है ये नवाब वाले मुश्कियों के ऊपर है कि वो किस तरह के मुर्गे थे, क्या क्वालिटीज़ थी उनके अंदर, देखने में किस तरह के थे और खामियां क्या क्या थी उनकी और उनका फाइटिंग स्टाइल क्या था, ये हमारा टॉपिक है आज मेन। तो इसके ऊपर हम अभी उस्ताद साहब से जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपने बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करना है, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो, हर नई इन्फॉर्मेशन जो हम आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं आपको जो है ना वक्त पर मिले और कोई भी इन्फॉर्मेशन आप दोस्त जो है ना मिस ना करें। तो अभी हम उस्ताद साहब से भी पूछते हैं कि जो नवाब वाले मुश्के थे वो किस तरह के मुर्गे थे। ये कपूरथले में चित्तौर सिंह गुरु चित्तू सिंह नाम मशहूर था उसका कपूरथले में, ये उसके मुर्गे थे। नवाब उसका एक शिकर था पाकिस्तान में, ये वहाँ से लेके आया था जोड़ा और नवाब वाले मशहूर हुए। बाज़ आदमी समझते हैं कि कोई रियासत का नवाब था, रियासत का नवाब नहीं, वो मेरे जैसे ही आदमी था, आराम मूँछों वाला पतला सा, तो वो लेके आया था जोड़ा, उसका नाम नवाबद्दीन था। उस नाम नवाबद्दीन की वजह से नवाब वाले ये मुर्गे मशहूर हो गए। ये बहुत मजबूत हैवी मुर्गे, बड़ी हड वाले थे और इनके साइज़ बहुत छोटे थे क्योंकि ये क्रॉस ब्रीड थी और गले के बहुत ही अच्छे लड़ोइए थे, मगर इनमें नुक्स बहुत ज़्यादा थे। एक हैवी होने की वजह से चंडी पड़ जाती थी इनके पाँव में। फिर यह कि एक मुर्गा 2 साल तक ही लड़ता था, 3 साल के बाद वो हैवी वज़न ज़्यादा होने, खुराक खाने से वज़न ज़्यादा होने की वजह से बस हो जाता था, तो मुर्गी पे फिर बैठना उसके लिए मुश्किल हो जाता था। ये इनसे नुक्स था और एक घर के लड़ोइए थे मोटी या कम, ये तेज़ी नहीं थी इनमें कि जो मुर्गे का आगे समय ले कैसे लड़ना है या कैसे लड़ना। मेन बेसिकली इनके अंदर ये था वेट इज़ पावर के हिसाब से, वेट इज़ पावर वाला पावर, गला बहुत सख्त मारते थे वो, पावर से वेट की वजह से बाजता था जो भी। खुद भी गले के बोले थे, अगर जो मुर्गा अगर इनके गले चढ़ जाए तो ये गला नहीं बर्दाश्त करते थे, इनमें भी यानी कि ये गला मारने के महर थे लेकिन बर्दाश्त नहीं थी इनमें, गले की बर्दाश्त नहीं थी, चीख बर्दाश्त करते थे, गले की बर्दाश्त नहीं थी इनमें ये भी नुकसान था, मगर थे सील बहुत और बड़े मशहूर हुए, आज तक इनका अच्छा नाम है ये है। मगर मैं समझता हूँ मुर्गा देखो ना, तलिए 1.5 साल का हुआ, तलिए पड़ गई निकाली, फिर 6 महीने के बाद फिर तलिए पड़ गई, मालिक जो है तलिए साफ करता रहे, मुसीबत करता रहे, तो मुर्गे ऐसा होना चाहिए जिसमें मालिक इजी रहे, तो ये मालिक को इजी नहीं रखते थे इनमें ये नुकसान। यानी कि इनका वज़न काफ़ी ज़्यादा था, वजन मोटी हड्डी के और जो है ना एज इनकी काफ़ी ज़्यादा कम थी और एक ही घर के जैसे, यानी कि आप कह लें कि मोटे कल के मुर्गे थे, इनके अंदर ये क्वालिटी नहीं थी कि अगर मुर्गे को जो है ना घर तब्दील करना पड़ जाए या गेम नहीं कर रहे तो जो ना गला ना दे, चाहे गला करे ये नहीं कर सकते, जो इसके ऊपर अकल मोटी थी इनकी, इनकी अकल मोटी है और मुर्गों की भी अकल मोटी है, मगर वो आम हर घर के लड़ोइए हैं, ये हर घर के लड़ोइए नहीं, दोनों अकल मोटे हैं। बस ये फर्क इनके अंदर ये, वो हर घर लड़ जाते हैं, वो कामयाब है, ये सिर्फ गले के लड़ोइए, ये सिर्फ गले के लड़ोइए। और इनकी जो है ना मेन खसूसियात, इनकी मशहूर होने की वजह ये थी कि ये गला मारते थे और बहुत सारे गला मारते थे। और इनकी नली और नोक का कलर, इनकी नली का कलर नीली तकरीबन काली सी आती थी, चौरस खाईदार काली समझ लो या नीली समझ लो, ठीक है, ब्लैक शेड के अंदर थी, ब्लैक शेड में आप कह लें सही हो गया। और चोंच भी एक ही कलर, इनमें निकलते थे उले टेढ़ी गोडे रखते थे, पिंगले उनको बोलते थे, रंग इनके सब जावे भी निकलते थे इनमें,
पीले भी निकल रही हैं, ये क्रॉस ब्रीड थी ना मैंने बोला है, तो वैसे जो पिंगले उनको बोल देते ऐसे, वो लड़ाई उनकी बहुत ज़्यादा थी। लड़ाई भी कुछ इस हालत में लड़ते थे, हाँ इस हालत में ही लड़ते थे और जीतते रहे, जिसको गला मारा मार दिया, ये था ये। तो जैसा कि अभी आप दोस्तों ने जो है ना नवाब वाली ब्रीड, इसके बारे में हमने आप दोस्तों को कुछ बताया कि इनके अंदर क्या खूबसूरती थी और इनके जो है ना खामियां क्या थी, एज की, चंडी पड़ने की, और क्वालिटीज़ जो हैं, ये गला बड़ा अच्छा मारते थे, पावर इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा थी, और हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन नवाब का भी करवाया कि ये दोस्तों को जो है ना ये गलत फहमी रहती है कि नवाब शायद कोई रईस था, ये आम ही जो है ना कुछ जो है ना दोस्त ये भी कहते हैं कि जो है ना ये फ़कीर जिसे हम अपनी ज़बान में बोलते हैं इस तरह का बंदा था, ये यानी कि नॉर्मल ही एक यानी कि बंदा था नॉर्मल हैसियत का, लेकिन उसके जो उस्ताद थे चितू सिंह, ये उनके पास से जो है ना मुर्गे लेकर आए थे, छड़ा था, शादी वादी नहीं की थी। अच्छा हाँ, मुर्गे लिए आपके पास रह गए थे इस आदमी के, फिर खतरा देखा कि ये मेरे मुर्गों के पीछे नजर रखता है, मुर्गे को नहीं देता था वो सब तक मार। अच्छा फिर वहाँ से मुर्गे उठाए तो किसी और रईस के पास चले गए, तो ये इसका चक्कर था, छड़ा था, शादी इसने नहीं की। अच्छा मूछे रखी लड़े मेरे मुर्गे मेरे से मिल रहा काफ़ी, मुर्गे ये अच्छे हैं, असील हैं, क्रास जब हुए तो फिर अच्छे होते रहे, अच्छों से क्रास हो गया, स्लिम भी हो गया, यानी कि इनको अगर क्रास करवाया जाए दूसरी नस्लों के साथ तो ये जो है ना इनकी क्वालिटी बढ़ जाती है। हाँ बिल्कुल, ज़रा इनकी जिसामर पतली हो जाती है, ज़रा ये आगे सर्वाइव कर जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप दोस्तों को हमारी ये जो है ना वीडियो और क्लिप आपको पसंद आया होगा, हमने जो इन्फॉर्मेशन इस नस्ल के बारे में आप दोस्तों के साथ शेयर की है तो आपको पसंद ही होगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए वसलाम।